स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बंदूक की नोक पर स्कूल बस से तेल कारोबारी के जुड़वा बेटे का अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूटी के नया गांव थाना क्षेत्र स्थित SPS स्कूल की बस में सवार UKG के दो छात्रों का मंगलवार दोपहर नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अगवा किए गए जुड़वा भाई ब्रिजेश रावत के पुत्र है। ब्रिजेश एक तेल व्यापारी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चे विद्यालय में अवकाश होने के बाद जैसे ही घर आने के लिए बस में चढ़ रहे थे, तभी बाइक पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर दोनों को बाइक में जबरन बैठाया और ले गए। इनका परिवार UP के चित्रकूट जिला मुख्यालय के सीतापुर में रहता है। इस वारदात में 5.5 लाख के इनामी अंतरराज्यीय गैंग सरगना बबुली कॉल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। चित्रकूटी SP मनोज कुमार झा ने जिले की सीमा की नाकेबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कराई है। नया गांव मध्य प्रदेश थाना प्रभारी के पी त्रिपाठी ने जगह जगह बच्चों की तलाश में चेकिंग अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार स्कूल से अपहरण हो चुके बच्चों के नाम श्रेयांश और प्रियांश रावत है। दोनों की उम्र 5 साल बताई जा रही है। वही सतना SP ने संतोष सिंह कौर ने कहा कि UP पुलिस की मदद से बच्चों को सुरक्षित रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज में युवकों की गतिविधियों से मालूम चलता है कि दोनों प्रोफेशनल किस्म के बदमाश हो सकते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।